जुगड़ जुगटाल तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी निघी गोद गुरु प्रेम साहब श्री फतेह सान गुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज जिवें कि मेरे तो पहला इत्थे जथेदार मनजीत सिंह जी के जनरल सकत्तर साहब अते संत तेजा सिंह की जिहड़ी याद असीं मना रहे हां अज उहदे ते हर बंदा अपने बारे अपने विचार रख के गया और अज जिहड़ी अगली गल तुहाडे नाल सांझ पाउणी चाहुंदे हां क्योंकि अज जिहड़ी प्रधान साहब ने गल कही है एजुकेशन की जिहड़ी रुमाला साहब की गल तुहाडे नाल सांझ पाई है कि अज बेसमेंटा कमरे भरे पए ने कितें ना कितें लोड़ है एक नवी सोच की एक नवी जिहड़ी गल असीं करना चाहुंदे हां तुहाडे नाल ताकि तुहाडा भी ध्यान उस पासे एकादर करिए। जिहड़ा एजुकेशन का लंगर बाबा इकबाल सिंह और बड़ू साहब वालों चल रहा यूनिवर्सिटियां खोलिया गई ने हमने मैं थले चरणजीव जी दस रहे कि अमेरिका के भी यूनिवर्सिटी खोल दी है और पहला सिख जिन्हें कितने पढ़ाई के नाल नाल धर्म भी नाल चलाया इन्होंने जीवन बारे बहुत घट लोग जानते हैं। पहला गुरद्वारा अगर कैनेडा के स्थापित किया तो संत तेजा सिंह होरां ने उत्थे जाके सेवा निभाई है। जे अमरीका की गल करिए तो पहला गुरद्वारा अमरीका दे विच भी सेवा का मौका जे आप कही गुरु साहब ने सेवा लई संत तेजा सिंह को। उस तो बाद जे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की गल करिए तो पहला सिख उत्थे जाके अपना नाँ रोशन किया सिखां दा नाँ दा पंचम लहराया कि सिख कौम भी कोई हैगी है वर्ल्ड दे विच जिहड़ी उहदा बच्चा इत्थे आके पढ़ रहा। 24 साल की उम्र दे विच सिविल सर्विसिज दे विच ना दर्ज होना पहले सिख का यह बड़ी वड्डी गल्लां ने यह वह मल्लां ने जिहड़ियां कि धार्मिक खेत्र नाल रह के भी आपां इस गल्लां नूं हासिल कर सके हां। अज कित्थे असीं गल करदे हां एजुकेशन की असीं अपने घर च गल कर लई तां असीं अपने बच्चों नूं जिसले पढ़ाउण वास्ते जोर दिंदे हां तो धार्मिक खेत्र तो पिछे जा जांदे हैं क्योंकि साडा इक्को टारगेट हुंदा कि 95% आ जाए 90% आ जाए 100% आ जाए तो आप पढ़ाई तो आप बाद करा लाँगे धर्म की गल आप बाद सिखा लाँगे वो जिसल व्डा हो जाता धर्म पिछे रह जाता पढ़ाई के पता नहीं किन्ना अगे जाए पर धर्म पिछे रह जाता। और यदा मैं तुम छोटा जहा उदाहरण दिना उत्तर कितने ना कि असी भी दोषी हाँ कितने ना कि माँ प्यो भी इस गल समझने तैयार नहीं है। बाणी पढ़न एकाग्रता आएगी जिहड़े अज आप साइकैट्रिस्ट को भज रहे हैं जिहड़ा अज आप बच्चों के बारे काउंसलिंग करा रहे हैं जे बच्चा नितनेम का पक्का होएगा जे बच्चा बाणी का पक्का होएगा तो उन्होंने कोई साइकैट्रिस्ट की लोड़ नहीं पैनी क्योंकि बाणी ने उहदे मन नूं उहदी एकाग्रता नूं शांत कर देना उन्होंने अपने चरणों में ला लेना। सो जिथे असीं नितनेम तो टुट जाते हैं जिथे असीं गुरबाणी टुट जाते हैं फिर सानूं इत्थे भजना पैंदा फिर आप साइकैट्रिस्ट वल भजदे हैं। अज मैडीटेशन की गल की है जे तुसीं बैठ के जाप साहब करो तो इस तो तगड़ा कोई मैडिटेशन नहीं हो सकता। तुसीं इस गल वल ध्यान दिओ कि जिहड़ियां बाणियां सानू गुरु दे गए ने जे नितनेम दे हिसाब नाल असीं रोज करिए तो सानू किसी मैडिटेशन की लोड़ नहीं सानू किसी साइकैट्रिस्ट की लोड़ नहीं पैनी। अज इन्ना दबाव बच्चों की पढ़ाइयों पर पै चुका है बच्चों पर इन्नी टेंशन लातियां असी उन्होंने इन्ने वे वे टारगेट्स देते ने हम कॉलेज दी एडमिशन शुरू हो गई हैं। तुसीं मनो कभी कल समा हो आके देखो कि बच्चे लाइना लगिया हुई 5% की ग्रेस लैन वास्ते गुरुद्वारा कमेटी मिनोरिटी का सर्टिफिकेट लाने वो राइट उन्होंने वो लैना चाहिए उन्होंने पर कितने ना कितने ये मन च डर है कि मेरे नंबर थोड़े घट होणगे शायद मेरी एडमिशन ना हो तो अज मैनू सिक्खी की लोड़ पै गई है अज ये सिक्खी मैनू उस कॉलेज के एडमिशन दवाएगी जिस कॉलेज के मेरा ड्रीम से फिर गुरु ने बांह फड़ी फिर गुरु ने लड़ लाया फिर गुरु ने अपना रस्ता दिखाया। पर जिसले असी सर्टिफिकेट देने वाले दो सवाल पूछते हैं तो बच्चे को जवाब नहीं होंगे उसका कारण कि असी अपने बच्चों पर इन्ना दबाव बनाता पढ़ाई का कि असी दसना ही भुल गए कि 10 पातशाहियां कौन ने 5 प्यारे साहिबान कौन ने 4 साहबजादे कौन ने 40 मुक्तियां का की इतिहास है। अज बंदा सिंह बहादुर का इतिहास घर घर पहुंचा क्योंकि प्रचार इस लैवल पर किया गया हर जगह हर थां दे उत्ते संगत ने भी पूरा सहयोग दिता। इदा ही जब तक तुम इस गल वल ध्यान नहीं दोगे अपने बच्चों इस पास नहीं जोड़ोगे तद तक गल बननी नहीं। जिथे गुरुद्वारे की बहुत सोहनी इमारत आप देख रहे कि सोना ला दिता है
आप बेनतियां करते हैं प्रेमियों के बी आप पैसा एजुकेशन लाइए तो मानते नहीं क्योंकि उन्हें सुखना सुखी होंगी है, मुबारक है उन्हें सुखना, पर इस पासे भी ध्यान देने की लोड़ है। जिथे असी अज आवाज मारते हैं कि फलाना गुरुद्वारा बन रहा जी, सानू इटा रोड़ी बदरपुर सेवा दो, माया की सेवा दो। मैं धर्म प्रचार कमेटी दे सेवा जी आप जी ने मैं बख्शी है, मैं अज इस स्टेज तो तुहाडी झोली अड के तुहाडे अगे झोली अड़दा, तुहाडे अगे बेनती करदा, जोदड़ी करदा कि अज कौम नू पढ़ाई दिओ, कौम नू एजुकेट करके बच्चे दिओ। बहुत वड्डी घाट सानू महसूस हो रही है सिविल सर्विसिज दे विच, खास करके आईएएस ते आईपीएस दे विच। साडे बच्चे आईएएस ते आईपीएस वल नहीं जा रहे। मुबारक है डॉक्टर बनाओ, मुबारक है तुसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाओ, पर जे सरकार दीआं पॉलिसीआं दे विच साडे बच्चे नहीं होणगे ते साडे नाल फिर किसे दिन चौरासी होएगी। साडी पॉलिसी मेकर दे विच साडे बच्चों का योगदान होना बहुत जरूरी है। अज आपां झाती मार लईए कि साडे बच्चे किन्ने कु आईएएस कर रहे ने, किन्ने आईपीएस असीं तैयार कर रहे हैं। अज कौम नूं इस पासे सोचण दी लोड़ है। अज इन्हां स्टेजां तों असीं तुहानूं आवाज मारदे हां कि बच्चे पढ़ाओ, पढ़ा के एक बारी आईएएस का या आईपीएस का एग्जाम जरूर अटैम्प कराओ। उहदे विच जो सेवा गुरद्वारा कमेटी वल्लों लवाउणा चाहोगे गुरद्वारा कमेटी तुहाडा सहयोग करेगी। मैं पिछले दिन भी बाबा जगपाल सिंह उन्होंने बेनती की थी, अज फिर स्टेज तो बेनती करदा एक वखरा सैक्शन, एक वखरी एक सोच लैके चलीए जिहदे विच सिर्फ आईएएस ते आईपीएस सिविल सर्विसिज दे बच्चे तैयार करिए। उहदे वास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली से गुरद्वारा कमेटी तो जो तुहानूं चाहीदा है प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के इस पासे जरूर तुहाडा सहयोग करनगे, ये मैनूं पक्का वादा है। सारे जिन्ने मैंबर साहिबान ने सारा सहयोग करांगे। एक कम्युनिटी दा मैं तुहानूं छोटा उदाहरण दे रहा, 800 बच्चा उन्होंने पिछले साल अडोप्ट किया है और सब तो मिनोरिटी दे विच जिहड़ी है कम्युनिटी आती है, साढ़े तो भी छोटी मिनोरिटी चलती है। उन्होंने अपने सारे हिंदुस्तान दे विच 800 बच्चियां नूं हायर करके दिल्ली दे विच होटल मिलिया होटल ले लिया, घर मिले घर ले ले, उत्थे उन्हां नूं रख्या एक साल, उन्हां दी सर्विसिज तैयारी चल रही है। उन्हां दा टारगेट है कि 800 विचों अगर 80 बच्चे भी आईएएस ते आईपीएस बन गए ते ओ देश दे भाग दौड़ दे विच उन्हां दा हिस्सा हो जाएगा ते उस कम्युनिटी बारे उस देश दे विच कभी भी निगलैक्ट नहीं हो, कभी कोई माड़ी गल नहीं सोच सकता। जब उस कम्युनिटी दे 80 बच्चे ओ 800 विचों 80 दा टारगेट लैके चल रहे ने, और साढ़े तो भी छोटी कम्युनिटी है क्योंकि आप हर अपनी कम्युनिटी अपने काम वास्ते करती है, आपका किसी का नाम नहीं लेना। पर मैं हैरान हाँ उन्होंने सोच तो कि उन्होंने 800 बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा कुछ अपने जिम्मे लैके अलग अलग शहरों तो बच्चे इकट्ठे करके दिल्ली दे विच जिथे किराए तो मकान लेना सौखा नहीं, जिथे पढ़ाना सौखा नहीं, उत्थे वो अपनी कम्युनिटी के 800 बच्चे तैयार कर रहे हैं जिदे विच उन्होंने टारगेट 80 बच्चों का है कि यह 80 बच्चे जिसले पढ़ लिख के आईएएस ते आईपीएस ते सिविल सर्विस जाएंगे ते उस वेले ये साडी कौम का फायदा करेंगे, उस वेले वो पॉलिसी दे विच बैठ के साडी कौम वास्ते कुछ सोचेंगे। यह वाली सोच सानू भी आनी चाहिए है। जे यहूदियों की गल करते हैं अज अमरीका ते राज कर रहे हैं तो फिर असी कद इस गल तो सिख लवेंगे, असी नहीं पढ़ पाए असी सोचते हैं, पर असी अपने बच्चों नूं पढ़ा सकते हैं। यह चाह रखिए अज जिथे इटा इमारतां रुमाला साहब असरोपे भी मैं कहना होना कि मैं जिसलों दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी शहीदी समागम से असी सरोपे पाने बंद किए हैं, अकीर्तनी सिंह बैठणगे इन्हां दे घर पुछो हजारा सरोपे पए ने, यह भी 4-5 हज़ार रुपया अगर असी एजुकेशन पाना शुरू कर दीए। मैनूं लगता हर पासे सानूं सोचण दी लोड़ है, यह बहुत वड्डा एक उपराला करन लोड़ है। सरोपा देण तों पहलां दस्या जावे कि यह किस मकसद नाल दिता जा रहा, क्यों दिता जा रहा, इन्हें किहड़ा इहो जिहा काम किया जिहदे नाल यह सरोपा इहनूं मिल रहा है। यह गुरु अमरदास पातशाह नाल बड़ी सोहनी परंपरा चलाई गई जिहड़ी कितें ना कितें असी एक दूजे की खुशामतां च लाती है। मैं बहुत अवॉइड करने की कोशिश करदा पर फिर भी कितें ना कितें जोर नहीं चलता, पर जब संगत नाल साथ देगी तो मैं लगता कि यह भी असी काम जरूर पूरा करांगे। चाह है कि होर सम्मान वास्ते किताबा एक दूजे नूं देईए, शौलां देईए, बड़ा कुछ देईए, पर एक ऐसा पीले रंग का जिहड़े सरोपे की चाह मन च ऐसी होवे कि यह मैनूं गुरु घर च मिले और उहदे पिछे मेरी जिहड़ी कुरबानी होवे उह दसी जावे संगत नूं कि यह मैनूं क्यों दिता जा रहा है। सो इहो जी जिहड़ी सोच है जिहड़ी बदलनी पैणी है सानूं, जिहड़ी दुबारा तो सानूं अपने ये कारजां दे विच लिआउणा पैणा। मैं चाहुंदा
कि अज जिथे असीं तुहाडे तों रोड़ी बदर पर मंगदे हां, जिथे तुहाडे कोल गुरुद्वारे दी इमारतां सोहणे करन वास्ते पैसे मंगदे हां, जिथे तुहाडे कोल माया मंगदे हां, उत्थे अज तुहाडे कोल असीं झोली हट के एजुकेशन मंग रहे हां कि अपने बच्चों नूं पढ़ाओ, इन्नी एजुकेशन दिओ कि वह देश दीआं पॉलिसीआं दे विच आण, देश दीआं जिहड़ीआं पॉलिसीआं अगे बननीआं ने उहदे विच अपनी कौम वास्ते कोई इहो जिही गल निहाकना होवे उससे पहरा देण वास्ते अपने बच्चे तैयार करो। अज लोड़ है, अज लोड़ है तुहाडी तुहाडी इस सोच वल चलण दी। सो मैं आस करदा जिथे कीर्तन दे अखाड़े लग रहे, जिथे गुरबाणी का प्रचार चल रहा, जिथे अज असी संत तेजा सिंह की गल कर रहे हैं, तो जे असी यह सोच लईए कि 24 साल दे विच ओ अगर सिविल सर्विसिज कर सकते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दे विच पहला सिख जाके अपना नाम दर्ज करा सकता है, अमरीका ते कैनेडा की धरती जाके गुरुद्वारे की सेवा कर सकता है, उन्होंने धर्म नहीं छड़िया, पढ़ाई के नाल नाल धर्म भी चलाया। सो अज दोनों चीजा पैरल चलाने की लोड़ ने, घर भी तब चलता जब दोनों मियां बीबी पैरल एक दूजे का ध्यान रखन, परिवार का ध्यान रखन, बैलेंस करता चलता है। उवें अगर जे तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन लैन, तो वह बैलेंस अगर उन्हें करना चाहते हो ताकि वह माइंड साइकेट्रिस्ट वाल लैके जाना पे, तो उन्होंने मेडिटेशन ना करानी पे, तो फिर उन्होंने नितनेम नाल जोड़ो, उन्होंने सहज पाठ नाल जोड़ो, उन्होंने गुरबाणी नाल जोड़ो, ताकि ये ना हो कल नूं आपां किथे अरस दौड़ दे विच अपने बच्चे गवा बैठीए, फिर आप दूजे नूं ना दोष देईए कि अज उस बंदे ने साडे घर नशा पाता, तो इस बंदे ने साडे घर बिगाड़ पाती। जस बच्चे ने तुसीं छोटी उम्र तों ही गुरु वाल जिवें लैके आने हो, जे उन्हें खंडे बाटे की पौल दिया दोगे तो साढ़े घर च नशा नहीं वड़ सकता। जिस वेले असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की दसी राह तो नहीं चलते, महाराज कहिंदे वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, गुरसिमर मनाई काल का खंडे की वेला, पीवो पौहल खंडे तार होए जन्म सुहेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। पहला गुरु देखो जिन्हें आप गोड्या पार बह के पांच पैरों को दात ली है, उन्होंने साबित किया कि यह खंडे बाट की पौल ले बगैर मेरा गुजारा नहीं होना, उन्होंने साबित किया कि यह जिहड़ा मैसेज है दुनिया के विच कायम करके जाइए। अज उस खंडे बाटे की बौल की बदौलत बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा भाई गुरबख्श सिंह सी, रिद्धियां सिद्धियां तांत्रिक विद्या केड़ी विद्या उहदे कोल नहीं सी, पर वह संपूर्ण नहीं सी, संपूर्ण तद होया जद उह खंडे बाटे की पौल ली। और इतिहास पढ़न तो पता लगता है कि लास्ट अमृत संचार जिहड़ा होया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किया, वह बंदा सिंह बहादुर नूं अमृत संचार की दात दित्ती है। और ये अमृत संचार लैण तो बाद सरहंद फतेह होया, फिर सिक्के चले, फिर राज स्थापित होया, फिर तुहाडे सामने है कि इस खंडे बाटे बोल दी किन्नी शक्ति सी, कित्थे तक गल पहुंची है। सो मैं आस करदा कि तुसीं मेरी ये बेनती जिहड़ी मैं अज एजुकेशन ही तुहानूं करके जा रहा, जिथे तुसीं होर सेवावां करदे हो अज ये भी मन च धार लो कि असीं ये बच्चों नूं बढ़ाउणा है। जब तुहाडा मन करे, इत्थे गोलक पई है एजुकेशन की, यह सिर्फ एजुकेशन वास्ते यूज होंदी है, जब तुहाडा मन मने उन्हां गरीब बच्चों वास्ते उन्हां अपने बच्चों वास्ते पैसे दो ताकि उन्हां बच्चों तक असी एजुकेशन पहुंचा सकी। जे तुहाडे कोल भी कोई डायरेक्ट नीडी आंदा तुहानूं मिलदा है तो उहदी बांह फड़ लो, ये सच्ची सेवा, जरूरी नहीं कि गोलक च पा के सेवा सफल होनी है, वह थानू अगर कोई डायरैक्ट बच्चा मिलता है तो उन्होंने लगता है कि बच्चा नीडी है, वो अज आप बांह फड़ लीए, आप एक दूजे का साथ बनीए ताकि आने वाले समय साड़ी कौम का जिहड़ा विरसा होर अमीर हो सके। अज बंदा सिंह बहादुर की गल जी अज की है, अज प्रधानमंत्री नमस्कार करके गया, यह बड़ी माण की गल है कि देश का प्रधानमंत्री रिकगनाइज करता है। अज जिन्होंने उन्होंने स्पीच सुनी है तो वो सीट विच आइडेंटिटी आ गई सिखा की, सिखा बारे की सोचते हैं, सिखा अज नमन करके गए हैं कि अज अगर देश आजाद सुख का साह ला रहा है तो सिखा करके ला रहा है, ये बहुत वड्डे माण की गल है और ये माण तुहानू सारयां नू प्राप्त है। सो मैं आस करदा कि मेरिया बेनतियां प्रवान करोगे और अगों तो जिहड़ा भी कोई प्रोग्राम असीं उड़ीकांगे खास करके एजुकेशन दे विच तुसीं अपना पूरा सहयोग दोगे, अपने बच्चों इस पासे लाओगे, इन्नियां बेनतियां प्रवान, इन्हां दी पूरी गुरुद्वारा कमेटी अते जिहड़ी संस्था है काम कर रही संपर्दा, इन्हां दा धन्नवाद कि इन्हां ने मौका दिता तुहाडे नाल शब्द की सांझ करन दा। और आस करदा कि जिहड़े भी इत्थे वीर प्रबंधक बैठे है मेरी बेनती बाबा जी तक पहुँचाउणगे कि दिल्ली दे विच पिछले साल भी बेनती कीती सी, इस साल फिर बेनती करके जा रहे हैं, समा लंघ जाना है, जल्द तो जल्द एक सेंटर इंडिपेंडेंट खोलीए जिदे विच तुहाडा जो सहयोग दिल्ली से गुरद्वारा कमेटी चाहते हो वह अं करा। इन बेनतियां प्रवान, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।